मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आलू और बरी की सब्जी बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए देखिए, ये है इंग्रेडिएंट्स। ये आलू है, कच्चा आलू, इसको छील करके और इसको पीसेज में काट ली हूँ। ये बरी है, उड़द की बरी, इसको तेल में तल ली हूँ। और ये है प्याज, दो प्याज है कटा हुआ, दो टमाटर है कटा हुआ। और ये है इसके लिए मसाला, ये है सब्जी मसाला, मिक्स मसाला। और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये नमक है, नमक आप अपने स्वादानुसार डालिए। और ये हल्दी पाउडर है, और ये लहसुन का पेस्ट है, और ये छौंकने के लिए तेज पत्ता है, बे लीफ, और मिर्च है, सूखी हुई मिर्च, लाल मिर्च, और ये है जीरा। तो अब हम, और ये सरसों का तेल है। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, और मेरा गैस ऑन है पहले से, और इसमें ये तेज पत्ता और ये जीरा, और लाल मिर्च, एक लाल मिर्च इसमें इसको डाल दूंगी। और ये जब चटक जाएगा तब इसमें, तो अब ये चटक रहा है, इसमें ये कटा हुआ प्याज को डालूंगी, और इसको थोड़ी देर के लिए चलाऊंगी। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसमें आलू और बरी को एक साथ डाल दूंगी। अब ये प्याज जो है भुन चुका है, हल्का ब्राउन हो रहा है, इसे मैं अब ये कटा हुआ आलू को डाल दूंगी। आलू आप बॉईल करके भी बना सकते हो। बड़ी को भी मैं अब डाल दूंगी साथ में, और दोनों को एक साथ थोड़ी देर चलाऊंगी, 5 मिनट, थोड़ा सा आलू भून गया। अब मैं इसमें मसालों को डालूंगी,
तो ये है मिक्स मसाला। ये मिर्चा पाउडर है। नमक और ये लहसुन का पेस्ट है। और ये हल्दी पाउडर है। अब इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए भूनूंगी। तो ये मसाले सूखे हैं इसलिए ज़्यादा भूनने से जल जाएंगे। तो 2 मिनट में भून जाएंगे। मसाले भून चुके हैं। अब इसमें मैं 1 कटोरी टमाटर को डाल दूंगी। टमाटर को डाल करके 2 मिनट और भून लूंगी। टमाटर भून चुका है इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी इतना डालें जितनी में कि सब्जी डूब जाए, क्योंकि इसकी सब्जी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। और इसको भूनने के बाद इसको मैं कुकर में पकाऊंगी। सब्जी को कुकर में डालने के बाद 3-4 सीटी लगाना है और उसके बाद सब्जी रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सब्जी रेडी हो गई है। और अब इस सब्जी को आप गर्मा गर्म चावल, पराठा या पूड़ी के साथ खाएं। यह झारखंड का फेमस डिश है और यहाँ प्रायः हर घरों में बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।